राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे। सूरत की सीजीएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाया और राहुल गांधी को दोषी करार दिया। बता दें, जैसे ही राहुल गांधी सूरत पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट के बाहर उनका पोस्टरों के जरिए स्वागत हुआ। यही नहीं, राहुल गांधी जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहां उनके स्वागत में शेर ए हिंदुस्तान के पोस्टरों से उनका स्वागत किया गया। वहीं कुछ पोस्टरों पर लिखा था कि कांग्रेस नहीं झुकेगी। वहीं बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। हालांकि राहुल को कोर्ट से तुरंत जमानत भी मिल गई है। गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की उन्हें सजा सुनाई है। दरअसल राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली कर रहे थे। इस दौरान राहुल ने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। वहीं राहुल के इस बयान को लेकर ही बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पुनेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। बता दें कि पुनेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वो दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए हैं। पूरी खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।